आए दिन सुर्खियों में रहने वाली जेएनयू से, जहां कल रात छात्रों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे जेएनयू के बाहर छात्र और दिल्ली पुलिस घंटों आमने सामने थे। हंगामे और झड़प की ये तस्वीरें दिल्ली के बसंत कुंज पुलिस स्टेशन के बाहर की हैं। हम आपको टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल शाम थाने का घेराव कर रहे जेएनयू स्टूडेंट्स और दिल्ली पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। जेएनयू के सैकड़ों छात्र यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर अतुल जौहरी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। प्रोफेसर अतुल जौहरी पर जेएनयू की 9 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की है, लेकिन अभी तक आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने इस मामले में छेड़खानी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है, जबकि छात्र रेप का केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आरोपी प्रोफेसर को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जेएनयू छात्र दिल्ली पुलिस पर आरोपी प्रोफेसर को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके भी पूछा है कि अभी तक प्रोफेसर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। हमने लेटर फॉरवर्ड किया था एडमिनिस्ट्रेशन को और उस पर कहा था कि हमें सपोर्ट चाहिए इस मामले में, और एक सस्पेंशन डिमांड किया था अतुल जौहरी का, जिससे कि जो कंप्लेनेंट्स हैं वो सेफ रहें, क्योंकि उनके भी बहुत सारी पेपर वर्क एंड ऑल है जिसपे जौहरी कैन इन्फ्लुएंस ऑल दोज थिंग्स, देयर फेलोशिप्स एंड देयर मतलब PhD रजिस्ट्रेशन इन द नेक्स्ट सेशन एंड एवरीथिंग फॉर दैट, देयर अटेंडेंस एंड एवरीथिंग विच आर बींग जिन्हें इशू बनाया जा रहा है जेएनयू में। तो इसलिए हमने डिमांड करी थी कि हमें सस्पेंशन चाहिए और इस मुद्दे पे वो स्टैंड ले, बट अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई स्टैंड नहीं लिया है इस मुद्दे पे। जो हमारे स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है, हम पूरा लाइफ साइंस और पूरा जेएनयू उनका सपोर्ट कर रहा है, और कभी भी कोई भी ज़रूरत होगी तो हम लोग उनके साथ हैं। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारी बदनामी है, हमारे स्टूडेंट की बदनामी है, क्योंकि 9 FIR ऑलरेडी हो चुकी हैं तो उस पर अभी तक कुछ भी इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए हैं। जी, आरोप काफ़ी संगीन है, उसको बारे में वाकई सोचना चाहिए, और जो मॉरल हाईग्राउंड लेने की बात करते हैं हर मुद्दे पर, देश की बात करते हैं, उनको देश की 10-12 बेटियों के बारे में जिन्होंने ये सवाल उठाया उसके बारे में सोचना चाहिए। टीचर्स एसोसिएशन का पोजिशन है देयर शुड बी ए फेयर इंक्वायरी। तो कल शाम जब जेएनयू स्टूडेंट्स बसंत कुंज थाने के सामने सड़क जाम करके हंगामा कर रहे थे और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए झड़प पर उतारू थे, उस वक्त निकिता सारा नाम की एक महिला वहां से गुजर रही थी। उस वक्त जो कुछ हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। घटना का पूरा विवरण उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दिया है, जो कि काफी चौंकाता है। निकिता सारा के मुताबिक उनकी फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि शैला और उनके साथियों की लोग कड़ी आलोचना कर रहे हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद शैला राशिद ने भी रात 2 बजे ट्विटर पर अपना सफाईनामा जारी किया है। तो निकिता सारा नाम की महिला, उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करके लिखा है कि जिस वक्त ये पूरा हंगामा चल रहा था उस वक्त एक महिला खून से लथपथ एक बच्चे को अपने हाथ में लिए लोगों से गुहार लगा रही थी कि उसे अस्पताल जाने के लिए रास्ता दे, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। और शैला राशिद टीवी इंटरव्यू देने में बिजी थी, लेकिन उन्होंने उनकी एक भी गुहार नहीं सुनी। और हमारे संवाददाता पवन नारा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, बेहद गंभीर आरोप इस वक्त यहां पर लग रहे हैं कि जब ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, खून से लथपथ एक बच्चे को महिला अस्पताल पहुंचाना चाहती थी, लेकिन इन तमाम छात्रों ने ना तो उसको आगे जाने का रास्ता दिया, बल्कि शैला राशिद जो पूरे इस आंदोलन की अध्यक्षता कर रही थी वो टीवी इंटरव्यू देने में बिजी रही। जी बिल्कुल, ये आरोप फेसबुक के एक पोस्ट के माध्यम से लगाया गया है, जिसको बड़े स्तर पर शेयर किया जा रहा है और वायरल हुआ है, जिस पर शैला राशिद ने ट्विटर पर अपना पक्ष भी रखा है। इस पूरे पोस्ट में कहा गया है कि जिस तरह से जेएनयू के छात्र बसंत कुंज थाने का घेराव कर रहे थे, उस वक्त नेल्सन मंडेला मार्ग पर पूरी तरह से ट्रैफिक जाम था। आपको बता दें कि राउतला राम मार्ग पर काम चलने की वजह से एयरपोर्ट जाने वाले यात्री भी नेल्सन मंडेला मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये रास्ता 3 प्रमुख अस्पतालों की ओर जाता है, जिसमें फोर्टिस अस्पताल शामिल है, इंडियन स्पाइनल इंस्टीट्यूट शामिल है, और ISBL हॉस्पिटल भी इसी रोड पर पड़ता है।
और जो महिला है जो अपना फेसबुक पोस्ट डाला है, उन्होंने कहा है कि एक महिला बच्चे के साथ थी जो खून से लथपथ था, उन्हें तुरंत अस्पताल जाने की जरूरत थी, लेकिन जेएनयू के छात्रों ने उनका रास्ता नहीं दिया और उनकी संवेदनहीनता देखी कि वो अपने प्रदर्शन में जारी रहे, इंटरव्यू में बिजी रहे और उनकी शहला रशीद के साथ झड़प भी हुई, इस बहस भी हुई इस बात को लेकर कि उस बच्चे को जाने के लिए रास्ता दिया जाए, लेकिन रास्ता नहीं मिला और वो बच्चा इंतजार करता रहा कि कब तक ट्रैफिक खुलेगा और कब वो बेहतर इलाज के लिए अस्पताल पहुंच पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। तो इसी कारण सवालों में है ये जेएनयू का आंदोलन कि कैसे संवेदनहीनता यहां पर आंदोलनकारियों की देखने को मिली। एक बच्चा इलाज के लिए तड़पता रहा लेकिन सभी लोग वहां पर हंगामा करने और आजादी के नारे लगाने में बिजी दिखे। इतना ही नहीं, शैला राशिद जो कि इसकी अध्यक्षता कर रही थी वो तक टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देने में बिजी रही। सोमवार रात दिल्ली की सड़कों पर जेएनयू छात्रों की वजह से कैसा नजारा था दिखा रहे हैं जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़। दिल्ली के वसंत कुंज थाने के ठीक बाहर नेल्सन मंडेला मार्ग है, वहाँ मौजूद हूँ और ठीक थाना मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाए वहाँ थाना है और ठीक सामने जो छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब जेएनयू के छात्र हैं और इन्होंने जो रोड है वहाँ बीच में है, जो पुलिस ने बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया है और उसके चलते जो पूरा रोड है जो नेल्सन मंडेला मार्ग है पूरा बंद हो गया है, चक्का जाम जिसे बोलते हैं वैसी स्थिति है। आप देखेंगे ये जो गाड़ियां हैं जहां तक कैमरे की नजर जाएगी वहां तक आपको वाहन जो है बिल्कुल रुके हुए नजर आएंगे और ये जो वाहन है ये वो लोग हैं जिनको वसंत कुंज की तरफ जाना है, जो फ्लैट्स बने हुए हैं वहां पर जो लोग रहते हैं, उसी के साथ में जिन लोगों को गुड़गांवा जाना हो, जिन लोगों को एयरपोर्ट जाना हो, वो लोग इस नेल्सन मंडेला मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। मेहरोली जाने के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आगे मेहरोली बदरपुर रोड भी है और पूरा जो ट्रैफिक है सब लोग यहाँ पर काफ़ी देर से यहाँ पर फंसे हुए हैं और जो लोग हैं इनका कहना है कि इनका क्या कसूर है कि ये लोग यहाँ जाम में फंसे हैं। काफ़ी जो लोग हैं सब लोग काफ़ी देर से जाम में हैं और जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो उनका है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कैसे इससे बाहर निकला जाए। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर क्या हुआ, कहाँ जाना है आपको? भाई साहब मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरी मदर हॉस्पिटल में है, ब्लॉक करके बैठे हुए। रोड की पब्लिक क्या है ना, ये इनका रोड है, आपको सील करना, हॉस्पिटल सील कीजिए, आप जाके आप पुलिस स्टेशन सील कीजिए, अपना जर्नी सील कीजिए, इनको यहाँ पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। लोगों को यहाँ पे लोग परेशान हैं, यहाँ पे देखिए पूरी लंबी लाइन लगी है, सारे लोग खड़े यहाँ पे पीछे। आपको कहाँ जाना है सर? हम तो वसंत कुंज जाना है। कब से फंसे हैं जाम में? अभी आधा घंटे के ऊपर हो गया। मैं यहाँ करेंगे जो आगे जो मॉल है वहां तक ये स्थिति बनी हुई है और सब लोग यहाँ अंदर फंसे हुए हैं और कुछ सर क्या कितनी देर हो गई आपको यहाँ? सर कम से कम आधा घंटा हो चुका है और मेरी ट्रेन थी अभी 8 बजे की, मेरी ट्रेन थी अभी 8 बजे की और मेरी ट्रेन निकल चुकी है और मैं बहुत परेशान हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड क्यों पुलिस वाले नहीं खुलवा पा रहे हैं इसको एंड वी आर रियली स्टक हियर। तो देख सकते हैं सब लोग पूछ रहे हैं कि आगे कैसे निकला जाएगा, क्या स्थिति है। तो देख सकते हैं ये सब स्थिति है और ये सब रोड यहाँ पर जहाँ में लोग अपनी गाड़ियों को पीछे की तरफ बैक करके ले जाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन प्रमोद के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली।